बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का व्लॉग बेल्जियम के नाम। सफर का आगाज कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ विटामिन सी से। नए सफर के ख्वाब देखना भी बड़ा खुशगवार होता है। एक सफर तो वो है जो रोजाना जमीन को अपने पांव तले रोंद कर मैं करता हूँ, मगर एक सफर वो भी है जो अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ, मालूम से नामालूम की तरफ और नामालूम से मालूम की तरफ। और एक सफर वो भी तो है जिसमें जिस्म नहीं दिल थकता है, रिश्ते ढूंढने का सफर, ताल्लुकात निभाने का सफर। सफर की बहुत सी जहते हैं। जन्नत नुमा जरूर है, जन्नत अगर नहीं। रब्बे जुलजलाल कितना खूबसूरत होगा जिसने इतनी खूबसूरत दुनिया तख्लीक की है। रूह सुकून से बेकरार हो जाती है जब इंसान अपने अल्लाह की बनाई हुई इतनी खूबसूरत दुनिया को देखता है, और इस दुनिया को देखकर अल्लाह पर यकीन और मजबूत हो जाता है। या अल्लाह पाक हमें इस मुजस्मे की तरह अपनी और अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गोता जन होने की तौफीक अता फरमा। बेल्जियम के तीसरे बड़े और पॉपुलर सिटी लीज के सिटी सेंटर का आपको नज़ारा करवाता हूँ। जाते जाते एक पैगाम देखिए, ज़रा चश्मे तसव्वुर में अपने बचपन में चले जाइए। याद कीजिए जब आपको कोई बड़ा कोई किसी काम के सिलसिले में या कोई चीज़ मंगवाने के लिए कहा करता था तो आपका रिएक्शन क्या होता था। आपका रिएक्शन ये होता था कि सबसे पहले आप अपने जूते उतारते, हाथों में पकड़ते, मुंह मंजिल की जानिब करते और मोटर बाइक की आवाज निकालते हुए तेजी से मंजिल मकसूद की तरफ भागा करते थे। और आज कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर के सिलसिले में आपको भी दूसरों के साथ यही कुछ करना है ताकि आप मुसाफे से और बगलगीर होने से महफूज रह सकें। स्टे सेफ।